एनटीपीसी बीनानगर के परिसर में आबाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। यहां ना तो छात्रों को बैठने के लिए चेयर है और स्कूल का भवन भी जर्जर है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लगभग 450 बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। कहने को तो उक्त विद्यालय के रखरखाव का जिम्मा स्वयं एशिया का विशालतम विद्युत संयंत्र एनटीपीसी बीनानगर ने स्वयं संभाल रखा है। लाखों का डीएमएफ फंड और सीएसआर फंड यहीं सिंगरौली में खर्च होते हैं, परंतु अपनी बदहाली की कहानी विद्यालय स्वयं बयां कर रहा है। प्रभारी प्रचार से बात करने पर उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने कई बार जिला शिक्षा केंद्र सहित जिला कलेक्टर एनटीपीसी को पत्र लिखा है, परंतु आश्वासन के सिवाय उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा परिसर में संचालित डीपीएस, डीपॉल और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालय में हर सुविधा मुहैया कराई है, परंतु जहां विस्थापितों के गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहां की सुध स्वयं एनटीपीसी ने अभी तक नहीं लिया है। जिला प्रशासन दूर व्यवस्था के लिए एनटीपीसी को जिम्मेदार ठहराता है, तो एनटीपीसी गेंद जिला प्रशासन के पाले में डालकर अपने कर्तव्यों से इदश्री कर लेता है। दोनों के बीच यदि कोई पिस रहा है तो वह है विस्थापितों के गरीब बच्चे। और क्या यहाँ पे बच्चों के लिए टेबल्स की बैठने की सुविधा नहीं है? नहीं सर, हम लोगों ने कई बार एडी साहब के लिए लेटर लिखा कि प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आज नाम तक नहीं मिल पाई। 1 से 12 तक स्कूल संचालित है, कक्षा 1 से 8 तक के लिए तो कुर्सी टेबल है ना, लेकिन अभी 9 से 12 तक के लिए एनटीपीसी ने कहा देने के लिए, हम लोग पत्र भी जारी किए हैं और वहाँ जो सीएसआर जयवर्धने साहब देखते हैं उन्होंने कहा अतिशीघ्र कुर्सी टेबल की वहाँ व्यवस्था कर दी जाएगी। सर कुर्सी टेबल के साथ साथ में वहाँ पे जाके देखा कि बच्चियों के लिए शौचालय नहीं, एक टेम्पोररी शौचालय एनटीपीसी द्वारा बनाया गया जिसमें पानी होने की सुविधा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, शौचालय तो है, मैंने स्वयं देखा है, शौचालय अच्छी बनी हुई है। नहीं, टेम्पोररी शौचालय बना हुआ है, परमानेंट शौचालय बनी है, वो मेन बिल्डिंग में बनी हुई है, मैंने स्वयं देखा। दूसरी चीज पूछना चाह रहा था सर कि क्या अपने शासन के द्वारा जो डीएमएफ फंड है उसके द्वारा क्यों नहीं वहाँ पे कुर्सी टेबल दी जा रही है? नहीं, डीएमएफ से अपने सारे विद्यालयों में कुर्सी टेबल दी गई है। एनटीपीसी चूंकि वो परिसर में विद्यालय है तो एनटीपीसी ने स्वयं कहा कि मैं अपने सीएसआर मत से उसका दूंगा, और अन्य विद्यालयों में सभी जगह कुर्सी टेबल पर्याप्त मात्रा में है, बच्चे उसका उपयोग कर रहे हैं।